गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 साइंस हमारा चैप्टर चल रहा है पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। जंतुओं का आर्थिक महत्व पहले हो चुका है, कल वाले लेक्चर में चल रहा था पादपों के आर्थिक महत्व, जिसमें से इसको तीन भागों में डिवाइड किया था, खाद्य पादप, औषधीय पादप, इमारती काष्ठ एवं रेशेदार समुद्री पादप। खाद्य पादप की बात चल रही थी, कुछ इसके पार्ट हो चुके हैं, कुछ आज करेंगे। इसमें से अनाज कंप्लीट हो चुका है, दालें कंप्लीट हो चुकी है और तेल उत्पादक पौधे तीन कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा आज करेंगे महत्वपूर्ण मसाले करेंगे, पेय पदार्थ करेंगे, सब्जियां करेंगे, फल करेंगे। इसके बाद ये दोनों औषधीय पादप इमारती काष्ठ भी करेंगे टाइम के अनुसार। अनाज कंप्लीट हो चुका है, दालें कंप्लीट हो चुकी है और तेल उत्पादक पौधे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण मसाले की। महत्वपूर्ण मसाले काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, जीरा, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची आदि क्या है, मसाले है। मसाले क्या काम करते हैं, हमारी सब्जी के अंदर काम आते हैं, सब्जी का स्वाद बढ़ाते हैं। कौन कौन से हैं, काली मिर्च, इसके एग्जांपल में काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची, आदि। क्या क्या मसाले हैं, महत्वपूर्ण मसाले में क्या आता है, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची। ये क्या है, हमारे खाद्य पादप से मिलते हैं महत्वपूर्ण मसाले वाले पादप। कौन कौन से हैं, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, इसके पेय पदार्थ। पेय पदार्थ भी खाद्य पदार्थों में आते हैं।
चाय तथा कप कॉफी बहुतायत में उपयोग में लिए जाने वाले पेय पदार्थ है। बहुत ज्यादा मोस्टली यूज होते हैं चाय और कॉफी है, बार बार यूज होने वाले डेली लाइफ में यूज होने वाले पेय पदार्थ है। चाय को कोमिलिया साइनेसिस पौधों की पत्तियों से तथा कॉफी को काफिया और विका पौधे के भुने हुए बीजों से तैयार किया जाता है। कौन कौन से है चाय और कॉफी? चाय, कॉफी, कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है चाय? कैमेलिया साइनेसिस। कॉफी है काफिया ओ अरेबिका। पेय पदार्थ में चाय और कॉफी आती है। अब बात करते हैं सब्जियों की। अनाज व दालों की भांति सब्जियां भी मानव के संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, अनाज और दाल जैसे हमारे भोजन में जरूरी है संतुलित भोजन के लिए, उसी प्रकार सब्जियां भी जरूरी है क्योंकि उनसे विटामिन वगैरह मिलते हैं हमें। ये विटामिन, खनिज तत्व, रेशे, जल आदि के प्रमुख स्रोत है। ये पादप के विभिन्न भागों से मूल, स्तंभ, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि से प्राप्त की जा सकती है। कुछ प्रमुख सब्जियां तथा उनके वैज्ञानिक नाम इस प्रकार है। सब्जियों को कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं? मूल यानी जड़ से, मूल, स्तंभ, स्तंभ के बाद पर्ण, पर्ण के बाद पुष्प, पुष्प के बाद फल, फल के बाद बीज। मूल जड़ को बोला जाता है। किसको? मूल का मतलब है जड़। स्तंभ का मतलब होता है तना। पर्ण का मतलब होता है पत्ता। पुष्प का मतलब होता है फूल। फल, बीज, ठीक है, इनका आपको पता ही है। बारी बारी से इनको डिटेल से करते हैं। जड़ों से क्या क्या प्राप्त होता है? गाजर, मूली, शलजम, शकरकंदी। जो सब्जियां जड़ों से प्राप्त होती है उसके अंदर क्या आती है? मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद। बात करते हैं अब स्तंभ की। तने से प्राप्त होने वाली आलू व अरबी क्या आती है? आलू व अरबी। ये चीज ध्यान रखना, आलू हमेशा तने के अंदर आता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जड़ के अंदर इसको लेते हैं। जड़ नहीं है आलू, क्या है? तना है।
क्योंकि जड़ में नहीं लगता, आलू तने में लगता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। हमेशा ही इस चीज को नोट करके रखना, आलू जब भी आएगा तने के अंदर आएगा। ये जीके का क्वेश्चन जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो बार बार पूछा जाता है। इसके बाद परण पत्ते की बात करते हैं, पत्ते वाली कौन सी सब्जियां हैं, पालक, मेथी, बथुआ वगैरह है, ये पत्ते में आती है। पालक, मेथी, बथुआ इसमें आती है, पत्ते के अंदर आती है। अब पुष्प क्रम से बात करते हैं, यानी फूल से, फूल से बात करें तो फूल गोभी, फल से बात करें टमाटर, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली। टमाटर, बैंगन, भिंडी, बात करते हैं बीज से, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फल। फल और फल है लास्ट टॉपिक इसका। फल में क्या क्या आता है, आम, केला, संतरा, अमरूद, पपीता, सीताफल, ये सारे क्या आते हैं, फल के अंदर आते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो सेकंड इसको पार्ट है, खाद्य पादप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से थे, अनाज, दालें, औषधीय तेल वाले पादप और महत्वपूर्ण मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल। अब बात करते हैं इसका सेकंड नंबर, औषधीय पादप की। पादप के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, परण, पुष्प, फल, बीज आदि में औषधीय महत्व के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषधियां पादप इस प्रकार है, जो पादप के विभिन्न भाग है, जड़, तना, परण, पत्ता, पुष्प, फूल, फल, बीज आदि से क्या है, औषधीय महत्व आए, अलग अलग चीजों की दवाइयों के रूप में यूज होते हैं। जैसे स्तंभ से, मूल से अलग अलग है, छाल से, परण से, फल से, सभी को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं स्तंभ से, स्तंभ का मतलब होता है तना। कौन क्या होता है इसके अंदर, हल्दी, अदरक, लहसुन, गुगल, हल्दी, अदरक, लहसुन, गूगल, ये क्या है, तने से प्राप्त होने वाले औषधियां हैं। और आपको इनका वैज्ञानिक नेम भी पता होना चाहिए, औषधीय, कोई पांच औषधीय पादप बताओ और उनके वैज्ञानिक नाम बताओ, इस प्रकार क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए हल्दी को क्या बोला जाता है, कुरकुमा लौंगा, क्या बोला जाता है, कुरकुमा लौंगा। अदरक को जिंजीवर एफिसिनेल, लहसुन को एलियम सेटाइवम, गूगल को कोमी फोइरा वाइटाई, सप्रगंधा ले सकते हो राइफिलिया सरपेंटाइना, अलग अलग है, ग्वार पेठे को अलवे अलोवेरा बोला जाता है,
पांच छह आपको बढ़िया तरीके से याद करने हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मूल से, यानी जड़ से प्राप्त होने वाले कौन कौन से है, सप्रगंधा, सफेद मुसली, अश्वगंधा। सर्पगंधा, सफेद मुसली, अश्वगंधा। अब बात करते हैं छाल से प्राप्त होने वाली औषधियां, कौन कौन सी है छाल से प्राप्त होने वाली औषधियों में आता है कुनेन और अर्जुन। नेक्स्ट बात करते हैं पर्ण यानी पत्तों से प्राप्त होने वाली औषधियां, कौन कौन सी है, गुवार पेठा, तुलसी, ब्राह्मी। गुवार पाठा, तुलसी, ब्राह्मी। फल से प्राप्त होने वाले अफीम, आंवला। अफीम का बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट चैप्टर में भी इसका उपयोग होता है। वैज्ञानिक नेम पेपेबर सेमिनीफेरम। अफीम और आंवला। ये हो गए हमारे औषधीय पादप। स्तंभ से क्या क्या प्राप्त होती है, हल्दी, अदरक, लहसुन, गुगल। मूल से क्या प्राप्त होती है, सप्रगंधा, सफेद मुसली, अश्वगंधा। छाल से क्या है, कुनेन, अर्जुन। पर्ण से क्या है, ग्वारपेठा, तुलसी, ब्राह्मी। फल से अफीम, आंवला। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। सभी के वैज्ञानिक नाम होश के ना याद रहे, पांच छह के आपको याद होने चाहिए। ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, पांच कोई औषधीय पादप के नाम और उसके वैज्ञानिक नेम लिखो, आपको जो बढ़िया लगते हैं वह पांच छह याद कर लेना। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट, इमारती, कास्ट एवं रेशेदार संबंधी पादप के बारे में करते हैं। एवं रेसे शमदी पादप, इसमें क्या आते हैं, सांगवान, शीशम, रोइडा, खेजड़ी, कपास, जूट। इमारती कास्ट के अंदर सांगवान, शीशम, रोइडा, खेजड़ी और रेसे में कपास और जूट। अब इसको डिटेल से करते हैं।
निर्माण संबंधी महत्व में क्या आएगा? फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, बस्तर, रस्सी, गद्दे, झाड़ू आदि को निर्माण में पादप के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। रेशम, काष्ठ संबंधी कुछ उपयोगी पौधे इस प्रकार है, यानी फर्नीचर, खिड़की, झाड़ू वगैरह में, गद्दे बनाने में कुछ रेशों का उपयोग होता है, कहीं लकड़ी का उपयोग होता है। पहले बात करते हैं रेशे उत्पादक पौधे, इसके अंदर बात आती है रेशे उत्पादक पौधे। पादप के विभिन्न भागों जैसे तना, परण, बीज आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है, जैसे बस्तर, बोरे, रस्सी आदि बनाए जाते हैं, उन्हें रेशे कहते हैं। कुछ रेशे उत्पादक पादप जूट, कपास, सनई, नारियल। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? जूट, कपास, सनई, नारियल, इनसे क्या बनता है? कपड़े वगैरह बनते हैं, बोरे वगैरह बनते हैं, रस्सी वगैरह बनती है। अब बात करते हैं इमारती काष्ठ की। काष्ठ मीन होती है लकड़ी। इमारती काष्ठ क्या होती है? जिसे फर्नीचर का सामान बने वो इमारती काष्ठ होती है। मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास है। इमारती काष्ठ का आवास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। घर बनाने में क्या है? लकड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो कहां से प्राप्त होती है हमें? पेड़ पौधों से। काष्ठ जिन्हें फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाई जाती है उसे इमारती काष्ठ कहते हैं। कुछ प्रमुख इमारती काष्ठ वृक्ष इस प्रकार है, सांगवान, साल, शीशम, रोयडा, मारवाड़ सांगवान या खेजड़ी, जो राज्य वृक्ष है राजस्थान का, देवदार। और राज्य वृक्ष खेजड़ी का आपको वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए, क्या होता है? खेजड़ी जंटी को बोला जाता है। प्रोसोपिस सिनेरिया, और इसमें क्या आते हैं? साल, सांगवान, साल, शीशम, रोइडा, इनसे क्या बनती है? इमारती काष्ठ। ये थे हमारी इमारती काष्ट और रेशेदार संबंधी। रेशेदार उत्पादक क्या थे? जूट, कपास, सनई, नारियल, इनसे क्या बनते हैं? रस्सी, बस्तर, बोरे वगैरह बनते हैं। इमारती काष्ट जिनसे फर्नीचर वगैरह, खिड़की वगैरह, दरवाजे वगैरह बनते हैं। ये कौन कौन से पौधे होते हैं? खेजड़ी, खेजड़ी को क्या बोला जाता है? प्रोसोपिस सिनेरिया। सांगवान, साल, शीशम, रोइडा आदि से क्या बनती है? इमारती काष्ट। ये आज पादपों के आर्थिक महत्व तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। खाद्य पादप दूसरा था, औषधीय महत्व वाले पादप तीसरा था, इमारती काष्ठ एवं रेशेदार संबंधी पादप। इसको ढंग से करना है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।